चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। दोस्तों, आज का वीडियो है नेविगेशन बार को लेकर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पिक्सेल लाइक नेविगेशन बार इंस्टॉल करनी है अपने ASUS ZENPHONE मैक्स प्रो N1 में और उसका कंप्लीट सेटअप यूजिंग ADB सर्विसेज। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नेम है नेविगेशन गेस्चर्स, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी इजीली। चलिए इंस्टॉल करते हैं इसे। और ये इंस्टॉल हो गया है, अब इसे हम ओपन करेंगे। ये वेलकम विंडो आ गई है। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे तो हमें इसे परमिशन देनी है एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज की, ये हम ऑन कर देंगे इसे। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों, जो हमें राइट सर्विसेज इनेबल करनी है, उसके लिए हमें ADB सर्विसेज का यूज़ लेते हुए ये कमांड हमें यूज़ करनी है। इसके लिए हमें अपने मोबाइल को PC से कनेक्ट करना हो USB के थ्रू, और कमांड विंडो ओपन करके हमें टाइप करना है ADB डिवाइसेस। दोस्तों, अगर आपका डिवाइस शो नहीं करता तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कैसे अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है ADB सर्विसेज के थ्रू, और उसका मैंने जो लिंक है ऊपर दे दिया है, उसे आप जाके देख सकते हैं। अब हम कमांड टाइप करेंगे दोस्तों, जैसे एग्जैक्टली लास्ट विंडो में जो ऐप खोली थी उस पर शो हुआ था। और आपको ध्यान रखना है जितने डॉट्स हैं अपर केस लेटर्स अंडरस्कोर, इन सबका ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ये प्रॉपर पोजीशन पे होने चाहिए और जैसा एग्जैक्टली मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ही आपको टाइप करना है, एंड लास्ट में एंटर प्रेस करना है। और एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों, दोबारा से कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आएगा जिससे आपको लगे कि कमांड प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गई है, बट वो एग्जीक्यूट हो जाती है। बस इतना ही करना दोस्तों आपको, और उसके बाद फिर मोबाइल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने मोबाइल कनेक्टेड ही था ऑलरेडी। अब जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो, अगर ये एक्टिविटी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाती है तो नेक्स्ट हो जाता है। जैसे देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट होता जा रहा है, ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुका था ADB कमांड इसीलिए। अब एक्सेसिबिलिटी दोबारा चेक करते हैं दोस्तों, एक्टिवेटेड है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। मैंने नया एप्लीकेशन ओपन किया दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हाइड नेविगेशन बार है इसको डीएक्टिवेट कीजिए, उसके बाद ही इसको इंस्टॉल कीजिएगा। ये प्रॉपर ध्यान में रखिए हमेशा, नहीं तो माल फंक्शनिंग हो जाएगी आपके डिवाइस में, जिसके लिए फिर ADB सर्विसेज का यूज़ करना पड़ेगा हम, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काम कर रहा है ये। ये तो नेविगेशन बार आप नीचे देख सकते हैं, वाइट कलर की आपको दिख रही है। और ये देखिए बैक हैं, ये रिसेंट हैं। और आपने ये ASUS ZENPHONE मैक्स प्रो में ये नोटिस किया होगा कि ये थोड़ा सा अपोजिट है हम, जबकि मोस्टली लेफ्ट साइड में रिसेंट बटन यूज़ करते हैं और राइट साइड में बैक। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये चेंज कर लिया है। आप ये जो सेटिंग्स हैं ये एप्लीकेशन को यूज़ करके, और इसमें जो सेटिंग्स ऑप्शन दिया हुआ है इसको यूज़ करके ये देखिए दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं। ये स्वाइप लेफ्ट का ऑप्शन है, स्वाइप राइट का ऑप्शन है, इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन चूज़ कर सकते हैं। और मैंने यही यूज़ करके रिसेंट एंड बैक ऑप्शन को इंटरचेंज कर लिया है। और इसमें जितनी भी सेटिंग्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ प्रीमियम सेटिंग्स भी हैं जिसके लिए आपको आई थिंक 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन बेसिक आप यूज़ कर सकते हैं जो कि मोस्टली सफिशियंट है आपके लिए यूज़ करने के लिए डिवाइस।
सारी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, और जो पर्टिकुलर प्रीमियम के लिए है उस पर प्रीमियम मेंशन किया हुआ है। चलिए मैं नेविगेशन बार ये देखिए, बैक रीसेंट, और उस पर सेंटर पे उस पर टैप करेंगे आप बार पे तो होम पे चले जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने नोटिफिकेशन की सेटिंग की थी, बट ये प्रीमियम एक्सेस मांग रहा है। देखिए 100 रुपीज का आपको पेमेंट करना होगा अगर आप यूज करना चाहते हैं प्रीमियम सर्विस। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसे। ये देखिए मैंने येलो कलर का कर लिया अपना नेविगेशन बार, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देखिए कैसे चेंज करना है इसका कलर। अब चलिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने पिंक कलर चेंज कर लिया। अभी देखिए इसका लुक कितना सूट कर रहा है डिवाइस पे, ब्लैक स्क्रीन पे खासकर। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वीडियो में, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हाइड नेविगेशन बार का ऑप्शन था उसको डिसेबल कीजिए, उसके बाद ही इसको अनइंस्टॉल कीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। आप मुझको सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।